नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 में हुए हत्याकांड मामले में 2 साल से फरार चल रहे अरशद खान उर्फ लंगड़ा के घर गुरुवार को पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। मानगो पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ अरशद के घर पहुंची और घर के बाहर इश्तेहार चिपकाया। केस के अनुसंधानकर्ता सुनील चौधरी ने बताया कि जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत से इश्तेहार जारी किया गया है। इसी के आधार पर पुलिस ने हत्यारोपी अरशद खान और लगड़ा के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। अनुसंधानकर्ता ने बताया कि अरशद को 30 मई तक कोर्ट में हाजिर होना है। अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसके घर की कुर्की की प्रक्रिया की जाएगी। बता दें कि 25 अक्टूबर 2022 को मोहम्मद जाहिद की हत्या कर दी गयी थी। मोहम्मद जाहिद मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 13B का रहने वाला था। मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि कई लोग अब भी फरार चल रहे हैं। किस मामले पे आए हैं? ये जो है अरशद खान उर्फ लंगड़ा अरशद है ना, फादर के नाम है मकसूद खान, रोड नंबर 14 जवाहर नगर। किस मामले पर इश्तेहार हुआ है? केस नंबर 372/2022 का मर्डर केस था, इसमें फरार चल रहे हैं। किसका मर्डर केस का मामला है? ये मर्डर मोहम्मद जाहिद का मर्डर हुआ था जी 2022 में। उन्हीं का जो है से कि ये जो है से कि नेम्ड प्राथमिकी अभियुक्त हैं और इनको पुलिस लगातार घर पे छापामारी की, वारंट वगैरह प्रे की, वारंट ली, इसके पश्चात भी ये फरार चल रहे हैं। तो इश्तेहार माननीय न्यायालय से निर्गत कराने के पश्चात आज तामील किया गया, और जब ये इसके पश्चात भी यदि ये उपस्थित नहीं होते हैं, ये माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो फिर इनके विरुद्ध CRPC की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।